कि आपने मछली खाते हुए वीडियो डाला, आप तो कह रहे हैं कि हम डाले हैं, पहले का है, पहले कह रहे हैं 8 तारीख को, तो 8, 9, 10 आपको पता है नवरात्र शुरू हो गया। तेजस्वी यादव जी, आपने तुष्टिकरण की राजनीति किया है, आप पूरे होशो हवास में ये वीडियो डाला है। लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और प्रचार के बीच तेजस्वी यादव समय निकालकर हेलीकॉप्टर में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मछली और रोटी खाते हुए नजर आए। उसके बाद साथ में जो है मुकेश सहनी थे, उसके बाद कहे तो बिहार की राजनीतिक सियासत जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से बताया गया है कि तेजस्वी यादव जो है वो सनातन विरोधी है। अभी हमारे साथ राकेश जी हैं, बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता। आप लोग सनातन विरोधी कहते हैं। तेजस्वी यादव जी को तो बिहार की जनता को बताना चाहिए आखिर कौन सी स्थिति आ गई, कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपने मछली खाते हुए वीडियो डाला। आप तो कह रहे हैं कि हम डाले हैं, पहले का है, पहले कह रहे हैं 8 तारीख को, तो 8, 9, 10 आपको पता है नवरात्र शुरू हो गया, आपने मछली खाने वाला वीडियो क्यों डाला? किसने बताया मछली डालने के फोटो डालते डालने का, ये मछली खाते हुए फोटो डाली? साथ है मल्लाहों का नेता है मुकेश सहनी, वो लोग मछली खाते हैं, तो संगत का असर हो गया है ना, वही है ना जो पिछले दरवाजे से भागे थे होटल मोड़िया से, हम लोग के कैंप में घुस गए थे और फिर यहाँ से भाग के फिर उस कैंप में घुस गए। तो ये लोग जब इन लोगों के पास होंगे, विकृत मानसिकता वाले लोग जब जाएंगे तो इसी प्रकार का काम करेंगे, इसी प्रकार से सफाई देनी पड़ेगी। बिहार की जनता पूछ रही है, तेजस्वी यादव जी आपने तुष्टिकरण की राजनीति किया है, आप पूरे होशो हवास में ये वीडियो डाला है। बिहार के जितने भी सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ये जानना चाहते हैं आपने वीडियो क्यों डाला। वो तो कह रहे हैं कि हम 8 तारीख को डाले थे, नवरात्रा 9 तारीख से चालू हुआ है। उनको पता होनी चाहिए उनके घर में नवरात्र अगर होता होगा तो नवरात्र शुरू होने के 2 दिन पहले, हिंदू का कोई भी पर्व नहीं है जिस पर्व को मनाने के 2 दिन पहले घरों की सफाई, घर में पूजा की सामग्री। घर में थोड़ी खा रहे थे, वो तो हेलीकॉप्टर में खा रहे थे ना। अरे उनका शरीर तो घर ही में ना जाएगा, क्यों बाहर रहेगा, घर से बाहर जाएंगे तो नहा धोवा के जाएंगे, नहा धोवा के क्यों जो इतना नहाना धोना चाहेगा उस मछली क्यों खाएगा, उसको मछली खाने की कौन सी बेचैनी है? जब इतना डर है धर्म से तो मछली खाया क्यों, आ खाया तो फोटो डाला क्यों? ये बहाने मीडिया है, डाल सकते हैं, बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप बिहार के डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप समाज को, इस राष्ट्र को, इस देश को, इस राज्य को और अपने परिवार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब धर्म संस्कृति की बात होगी तो मछली खाओगे? वो लोग तो संस्कृति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, राम मंदिर भी जाएंगे चुनाव के बाद, चुनाव में बिजी हैं वो लोग। तो राम मंदिर में जाके क्या वहाँ भी मछली खाएंगे बैठ के? वहाँ भी मछली खाएंगे ना, क्या करेंगे, क्यों जाएंगे राम मंदिर, काहे ले जाएंगे? अरे दर्शन करने जाएंगे, जाने सबके हैं हम करते, राम लला के मंदिर में दर्शन करने जाने के पहले अगर वहाँ भी कहीं हो सकता है एक टिफिन मछली लेके पहुँच जाए? जिनकी मानसिकता विकृत हो गई है, जिनकी संगति विकृत लोगों से हो गई है, तो इसी प्रकार का काम करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि आपने अगर कहा कि मैं पहले खाया, वीडियो कल क्यों डाला? सोशल मीडिया है ना, डाल सकते हैं। हाँ डालें तो स्वाभाविक है, सोशल मीडिया पर कुछ भी करते हुए डाल दीजिए, हर चीज़ की एक सीमा है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सबके एक लिए सीमाएं हैं ना। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, मुकेश सहनी कह रहे थे मिर्ची भी खा रहे थे और कह रहे थे कि कोई लोग को लगेगा मिर्ची तो मिर्ची मांग लीजिएगा, आप लोग को मिर्ची लग गया। अरे हम तेजस्वी यादव की बात करेंगे, हम पिछलगुओं की बात नहीं करते। मुकेश सहनी है, मल्लाहों का बड़ा नेता है, एक चुनाव जीते तो नहीं, चुनाव जीतने की हैसियत भी नहीं है, चुनाव क्यों नहीं लड़ा? बड़े नेता बनते हैं, चुनाव तो लड़े थे, उनका विधायक आप लोग उतर लिए हैं। चुनाव जो भी जीता मेरी पार्टी के लोग थे, सब मेरे पार्टी में आ गए, वीआईपी के विधायक थे, वीआईपी के लोगों पर जीते हैं। तो मुकेश सहनी कहने चुनाव जीत गए, जरा उनसे जाके पूछते क्यों नहीं है, मुकेश सहनी जी चुनाव क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं चुनाव लड़ा?
बड़ी ताकतवर नेता अपने को समझते हैं। वो तो कह रहे हैं कि 24 का भी चुनाव नहीं लड़े। जाते जरा निषाद राज के बीच, निषाद लोगों के माने परिवार में जाते और कहते कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं आपके, सभी राम के सेवक हैं लोग, राम को मानने वाले हैं निषाद राज के खानदान के लोग। ये मुकेश सहनी जैसे लोगों को निषाद राज के खानदान के लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मछली का व्यवसाय करते हैं, मछली का पालन करते हैं, लेकिन सब सभी सभी राम के वंशज हैं, सब राम को मानने वाले हैं। ये राम के वंशज कभी भी हिंदू धर्म के हिंदू पर्व की बात अगर होगी तो कभी भी कोई इस प्रकार का काम नहीं करेगा न करवाएगा। बड़ी मिर्ची लग रही है इनको, पता चल जाएगा। मिर्ची तो आप लोग को लड़ रहे हो, कह रहे हैं 40 सीट। पिछले बार इसी बिहार की जनता ने मिर्ची लगाया था, सीट जीत नहीं ना पाए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं ना चुनाव जीते। 1 सीट जो आपने दिया था खोज के, कैसे दिया था वो भी पता है, लोग पब्लिक डोमेन में है, आप क्या करते हैं, कैसे टिकट मारते हैं, सबको पता है। लेकिन अपने तो जीतेंगे नहीं, जीवन में नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा मल्लाह समाज है, पूरा निषाद समाज है। निषाद राज राम के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, भगवान राम का भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। राम के मंदिर में जाने से किसी को रोक नहीं है, लेकिन राम के मंदिर में अगर कोई मटन और चिकन खाते हुए जाएगा तो धक्का दे दिया जाएगा वहाँ पर। वहाँ लोग सनातनी लोग बैठे हुए, धक्का दे देंगे। देश की जनता धक्का देने वाली है इंडिको, इंडिको हिंद महासागर में डालने वाली है देश की जनता। चलिए, इंडिको जो है हिंद महासागर में डालने वाली है बिहार की जनता, ऐसा कहना राकेश जी को है। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी और वहीं तेजस्वी यादव जो कभी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के हैं, उनका एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो देख रहे हैं कि दोनों जो है वो मछली रोटी खा रहे हैं। उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारे पास मिर्ची भी है कि नहीं, वो अगर मिर्ची लगे तो हमसे मांग ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।